अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजों के शोर से सो रहे बलवीर की आंख घबरा कर खुल गई। वो अपने बड़े भाई निरंजन के पास चला गया और उसे उठाने लगा। भैया उठो, देखो अपने घर के बाहर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं गली में कोई चोर वगैरह तो नहीं है? निरंजन उठते हुए बोला। जाकर सो जाओ बलवीर, अपने गांव में लोगों को पेट भर भोजन और साफ पानी भी नसीब नहीं होता, चोर यहाँ पर क्या लेने आएगा? उसे इस गांव के घरों में भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भैया, ये इतने सारे कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं? शायद वो भी भूखे होंगे। अब मेरा दिमाग मत खराब करो और जाकर सो जाओ। बलवीर मुंह लटकाकर अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया और निरंजन फिर से सो गया। भैया तो दोबारा सो गए, आखिर ये कुत्ते एक साथ क्यों भौंक रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। इतना बोलकर बलवीर अपने घर से बाहर निकल गया। तभी उसकी नजर उसके घर से दूर एक सूखे पेड़ के पास बने हुए बहुत पुराने कुएं के किनारे खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी। आधी रात के समय उस पुराने कुएं के पास कौन हो सकता है? उस कुएं में तो पानी भी नहीं है, वो तो ना जाने कब का सूख चुका है। कहीं कोई बेचारी स्त्री भूख की वजह से इस कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का विचार तो नहीं कर रही है? मुझे जाकर उसे रोकना चाहिए। इतना बोलकर बलवीर उस परछाई के नजदीक चला गया। बलवीर ने देखा वो एक नव युवती थी। कौन हो तुम? बलवीर के कहने पर वो युवती पलटकर बलवीर की ओर बहुत गौर से देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में बलवीर खो गया। बलवीर ने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर युवती नहीं देखी थी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बलवीर की बात सुनकर वो युवती मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस गांव की नहीं हूँ, क्या तुम्हारे गांव में मुझे पानी और भोजन मिल सकता है? अगर तुम पानी और भोजन की तलाश में सांगा गांव में आई हो तो फिर तुम्हारा आना बेकार है, क्योंकि इस गांव में बरसों से वर्षा नहीं हुई, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। ना जाने कितने लोग तो इस अकाल की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे, और जाने कितने ही लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। बलवीर की बात सुनकर उस युवती ने मुस्कुराते हुए बलवीर की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मेरा भोजन थोड़ा अलग प्रकार का होता है। मुझे खाने में सब्जी नहीं बल्कि इंसानी मांस चाहिए होता है, और पीने के लिए तुम्हारा वाला पानी नहीं इंसान का खून ही मेरे लिए काफी होता है। अचानक उस युवती ने बड़ी ही फुर्ती से बलवीर का गला कसकर पकड़ लिया। उस सुंदर युवती का चेहरा भयावह बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गया। उसका चेहरा चमगादड़ की भांति मालूम पड़ रहा था। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? अचानक उस भयावह बूढ़ी औरत ने बलवीर को धक्का दे दिया। लो, छोड़ दिया। मगर बलवीर को अपने शरीर का खून खींचता हुआ महसूस होने लगा। उसकी चीख उसके गले में घुट कर रह गई। बलवीर की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे मरे हुए बरसों बीत चुके हो। बलवीर के मरते ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत बड़ी चमगादड़ में परिवर्तित होकर उस कुएं के अंदर चली गई। इस घटना के एक साल बाद आगरा। अभिमन्यु, राजू और विभा तीनों अपने ऑफिस में किसी मामले के ऊपर बहस कर रहे थे। हम तीनों को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और आपसी सहमति बनाकर ही उस गांव की ओर चलना चाहिए जहां पर सरकारी राशन और पानी की ज्यादा आवश्यकता हो। मुझे लगता है हमें सांगा गांव ही चलना चाहिए। और मुझे भी, मैंने सुना है कि वहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई। और तो और मैंने ये भी सुन रखा है कि उस गांव में वर्षों से सूखा और अकाल ही पड़ा रहता है। कहते हैं कि उस गांव की धरती ने सूखे की मार इतनी झेली है कि उसने अनाज उगाना ही बंद कर दिया है। बहुत से लोग वहां पर भूख से तड़प तड़प कर मर गए और आधे से ज्यादा गांव खाली करके चले गए। मैं एक बार स्वयं अपनी आंखों से सांगा गांव की उस दुर्दशा को देखना चाहता हूं।
जो कि मैं तुम दोनों की जुबान से सुन रहा हूँ। चलो चल कर देखते हैं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। वो तीनों सरकारी ऑफिस के बाहर निकल आए और कार में बैठ गए। अभिमन्यु ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार को हवा की गति के साथ दौड़ाने लगा। कुछ ही घंटे में वो तीनों सांगा गांव की सीमा में खड़े हुए थे। सांगा गांव की ओर देखकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए विभा से बोला, तुमने तो कहा था विभा कि सांगा गांव वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है, मगर यहाँ की हरियाली और ताजी हवा तो कुछ और ही बयां कर रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं भी इस गांव के बारे में पढ़ ही रहा था, आखिर सूखे से ग्रसित किसी गांव में इतनी जल्दी हरियाली कैसे हो सकती है। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं बल्कि ये तुम दोनों के काम पर धिक्कार है। अगर मैं बगैर सोचे समझे वो सारी सुख सुविधा सांगा गांव को दे देता जो कि उन सुविधाओं का हकदार नहीं है, तो बेचारे उन गरीबों के पेट पर लात पड़ जाती जो रात में भूखे ही सो जाते हैं। राजू, विभा ने तो कुछ समय पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है, मगर तुम तो पुराने हो ना। मेरी बात का विश्वास करो अभिमन्यु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ कुछ तो हुआ है। आखिर इतनी जल्दी इस गांव की किस्मत कैसे बदल सकती है। ये सब तुम घर पर आराम से बैठकर सोचते रहना। इतना बोलकर अभिमन्यु कार के अंदर बैठ गया। विभा और राजू भी मुंह लटकाकर कार में बैठ गए। अभिमन्यु कुछ ही दूर गाड़ी चला पाया था कि तभी नदी के किनारे एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसने की अजीब से अंदाज में पगड़ी बांधी हुई थी, गाड़ी के सामने आकर खड़ा होकर बोला, तुम सब कौन हो और इस गांव के अंदर क्या कर रहे थे। अभिमन्यु कार से बाहर निकलकर बोला, हम तो अपना परिचय आपको दे देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कौन हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। हम तीनों एक सरकारी विभाग से हैं। सरकार की तरफ से जो गांव सूखे की मार झेल रहे हैं उनकी मदद करते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि सांगा गांव काफी वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है, यही सोचकर मैं यहां पर आया था। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस गांव में साफ पानी और भोजन की सख्त आवश्यकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस गांव की जमीन तो कुछ और ही बता रही है। जरा दोबारा गौर से देखो साहब और मुझे बताओ कि क्या बता रही है। मुखिया के कहने पर अभिमन्यु, विभा और राजू ने जैसे ही नजर वहां जमीन पर डाली तो उन्हें सिवाय बंजर जमीन के कुछ भी नजर नहीं आया। और जिस नदी के सामने वो लोग रुके थे वो नदी भी सूखी हुई थी। अभिमन्यु अचंभित होकर मुखिया की ओर देखकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले तो इस जमीन पर हमें लहलहाते हुए खेत दिखाई दे रहे थे। आइए साहब, आपके रहने का इंतजाम मैं घर में कर देता हूँ। मुखिया उन तीनों को एक बहुत पुराने कुएं के सामने बने हुए एक पुराने मकान के अंदर ले गया। ये मकान किसका है। ये घर हमारे ही गांव के दो युवकों का था जो इस गांव को छोड़कर चले गए। आप तीनों यहाँ चारपाई पर सो जाइए, सुबह मैं आपको पूरा गांव दिखाने ले जाऊंगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरी आंखों के सामने एक नदी बह रही थी और अच्छी खासी हरियाली थी, मगर जैसे ही मुखिया ने दोबारा देखने के लिए कहा सब कुछ उसके विपरीत हो गया। मुझे लगता है हमें यहाँ से अभी इसी समय चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए और सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। अभिमन्यु एक चारपाई पर लेट गया। विभा और राजू एक दूसरे से बात करने लगे। आधी रात के समय अचानक घर के बाहर कुत्ते बुरी तरह से भौंकने लगे। अचानक से ये एक साथ सारे कुत्ते क्यों भौंकने लगे। पता नहीं विभा, मैंने तो कुछ देर पहले ही कहा था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे देखने दो। इतना बोलकर अभिमन्यु दरवाजा खोलकर बाहर गया। उसकी नजर उस मकान के सामने बने हुए एक सूखे पुराने कुएं पर पड़ी, जहां पर उसे एक परछाई खड़ी हुई नजर आ रही थी। कौन है वहां पर? मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी कमरे से विभा और राजू बाहर निकल कर आ गए।
क्या हुआ अभिमन्यु? पता नहीं विभा, इस घर के अंदर इतने सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें लग रही थी, मगर बाहर एक भी कुत्ता मौजूद नहीं है, और वहाँ उस कुएं के बगल में कोई खड़ा है। चलो चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में अभिमन्यु, राजू और विभा कुएं के नजदीक पहुँच गए। अभिमन्यु ने देखा कि एक लंबी चौड़ी कद काठी का पुरुष खड़ा हुआ उसे बहुत ही अजीब सी नजरों से घूर रहा था। कौन हो तुम और इस पुराने कुएं के पास क्या कर रहे हो? हम काफी समय से तुम तीनों का इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? अके भेल को तुम्हारी ही उम्र के दो पुरुष और एक महिला की बलि की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, और किस्मत देखो शिकार खुद चलकर अके भिल में आकर खड़ा हो गया। उस पुरुष ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी। अगले ही पल कुएं के अंदर से किसी जानवर के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। अचानक अभिमन्यु, विभा और राजू के सामने कुएं के अंदर से एक बहुत ही विचित्र दिखने वाली चमगादड़ नुमा महिला पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकल कर आ गई। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? राजू ने इतना कहा ही था कि तभी उस चमगादड़ ने उड़ते हुए राजू को पकड़ लिया और बहुत ही स्पीड से कुएं के अंदर ले गई। राजू की चीख कुएं के अंदर गूंजने लगी। अभिमन्यु विभा की ओर देखकर बोला, यहाँ से भागो विभा, लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ पर गांव वाले एकत्रित हो गए। उन सब के चेहरे शमशान घाट में रखे हुए शव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन सभी ने अभिमन्यु और विभा को पकड़ लिया। वो लंबी चौड़ी कद काठी वाला पुरुष हंसते हुए उन दोनों की ओर देखकर बोला, मेरा नाम निरंजन है, वर्षों से मेरा गांव सूखे की मार झेल रहा था। जब मैंने सूखे की वजह जानने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि मेरे ही घर के सामने इस कुएं के अंदर अकेबल नाम की एक डायन रहती है, और ये सब कुछ उसी का किया धरा है। मैंने उस डायन से सौदा किया और भेंट स्वरूप अपने ही सगे भाई को अकेबिल को सौंप दिया। अकेबिल को हर पूर्णमासी की रात किसी इंसान का खून और मांस चाहिए होता है। उसे बस तीन इंसानी शरीर का मांस और खून चाहिए। विभा उस पुरुष की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोली, और तुझे लगता है मूर्ख कि उसके बाद तेरा गांव हरा भरा हो जाएगा? मगर तू ये नहीं जानता कि तीन इंसानी शरीर को खाने के बाद अकी भील डायन की ताकत और बढ़ जाएगी, और वो अपने असली रूप में आ जाएगी, और फिर वो पहले इस गांव को खाएगी, उसके बाद इस संसार पर कहर ढा देगी। विभा की बात सुनकर अभिमन्यु विभा की ओर देखकर बोला, तुम उस डायन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? क्योंकि मेरा असली नाम विभा नहीं बल्कि तंत्रिका है। अगर मैं अपने असली वेश में इस गांव में आती तो मुझे यहाँ पर कभी प्रवेश नहीं मिलता, इसीलिए वेश बदल कर मुझे यहाँ आना पड़ा। अकी भील किसी जमाने में भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक जादूगरनी थी। जब वो जीवित थी तब वो बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारकर बलि चढ़ाया करती थी। उसकी इस घिनौनी करतूत को देखकर उसके ही समुदाय वालों ने उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। तब से ये गांव शापित है। इस मूर्ख ने अपने सगे भाई को भेंट देकर पाताल लोक के द्वार खोल दिए और इस गांव में रह रहे इंसानों को भी शापित कर दिया। अब उसका अंत होना बहुत जरूरी है। तभी उस कुएं में फिर से हलचल होने लगी। अचानक पंख फड़फड़ाते हुए वही चमगादड़ विभा के सामने आकर खड़ी हो गई। विभा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते ही गांव वाले आंधियों के साथ उड़कर विभा से दूर गिर पड़े। अचानक विभा के हाथ में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ एक त्रिशूल आ गया। विभा ने बगैर देरी किए उस त्रिशूल से उस चमगादड़ के सीने पर वार कर दिया। वार करते ही निरंजन सहित सभी गांव वालों के शरीर में आग लग गई। ये क्या किया तुमने? मूर्ख,
तू और ये गांव वाले उसी समय शापित हो चुके थे जब तूने अखी भील से सौदा किया था। तुम सब इस डायन से जुड़े हुए हो। डायन के साथ साथ तुम्हें तो जलना ही था। कुछ ही देर में वहां पर राख के सिवा कुछ नहीं था, और अगर था तो सिर्फ सन्नाटा। रात के 9 बजे मुर्दा घर के अंदर एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास ही केमिस्ट्री के प्रोफेसर जयदेव हाथ में एक मोटा सा इंजेक्शन लिए हुए खड़े थे। एक स्ट्रेचर पर एक भेड़िया पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और उसमें अभी भी सांस बाकी थी। रणवीर, इस सिरिंज में 3 ताजे मुर्दों के खून के साथ चमगादड़ का खून मिला हुआ है, और अब मैं इसके अंदर इस भेड़िये का खून भी मिलाने जा रहा हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना है? प्रोफेसर, आप लगा दीजिए, मुझसे बार बार मत पूछिए। रणवीर ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। प्रोफेसर जयदेव ने अब उस भेड़िये को इंजेक्शन लगाया और उसका खून सिरिंज में खींच लिया। अब वो सिरिंज पूरी तरह से भर चुकी थी। प्रोफेसर ने रणवीर के हाथ की नस में इंजेक्शन दिया। रणवीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, और फिर प्रोफेसर ने धीरे धीरे वो सारा खून रणवीर की रगों में उतार दिया। हो गया। ये सुनकर रणवीर ने आंखें खोल ली। अगले 12 घंटों में ये इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम यहीं पर रहो। नहीं प्रोफेसर, फॉर्मूला बनाया आपने है, लेकिन आइडिया मेरा ही था। मैं अपने घर रहूंगा और मुझे कुछ भी हुआ तो आपको बता दूंगा। पागल मत बनो, मैंने कहा ना, कुछ भी हो सकता है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ। रणवीर ने प्रोफेसर की एक नहीं सुनी और वहां से चला गया। अपने घर पहुंचकर उसने एक ग्लास पानी ही पिया था कि पानी पीते ही उसको करण सा लगा और उसने पानी की कुल्ली कर दी। उसके बाद उसके शरीर में ठंड चढ़ना शुरू हुई। वो अपने बेड पर गया और चादर ओढ़कर लेट गया, लेकिन अभी भी उसके शरीर की सर्दी कम नहीं हो रही थी। तकरीबन 3 घंटों तक वो इसी तरह कांपता रहा और उसकी आंखें भी आधी बंद हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे उसको अजीब सी गर्मी लगने लगी और शरीर में अकड़न पैदा होने लगी। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ने लगी थी। उसने चादर अपने ऊपर से हटाकर फेंक दी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। घड़ी में ठीक रात के 11 बज रहे थे। रणवीर की आंखें अब लाल लाल चमकने लगी। उसके शरीर पर हर जगह बाल उग आए। उसका चेहरा भेड़िये के जैसा हो गया। वो पूरी तरह नर भेड़िया बन गया और फिर बहुत जोरों से दहाड़ा। दो दिन पहले दिव्या कॉलेज के लॉन में बैठी हुई थी और उससे कुछ ही दूरी पर रणवीर आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए हुए खड़ा था। आज तो दिव्या से अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो दिव्या के सामने गया और दोनों की नजरें मिली। अरे रणवीर, तुम? मुझसे कुछ काम था? दिव्या से नजरें मिलते ही रणवीर का कॉन्फिडेंस लो हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपने पीछे वाली पॉकेट से एक लाल गुलाब निकाला और कहा, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कॉलेज के पहले ही दिन से, लेकिन आज तक तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। दिव्या ये सुनकर हैरान रह गई। उसको समझ नहीं आया कि वो रणवीर को क्या जवाब दे, लेकिन तभी वहाँ पर रॉकी और रणविजय आ गए। क्या है साले बैटरी, तू बैटरी होकर दिव्या को प्रपोज कर रहा है? तुम लोग ज्यादा बोलो मत, वरना वरना
क्या करेगा बेतू, मारेगा हमें? ये कहकर रॉकी ने उसका चश्मा हटाकर दूर फेंक दिया और वो दोनों रणवीर को घसीट कर वहाँ से ले गए। ये दोनों सीनियर थे, इसीलिए दिव्या भी उन्हें कुछ नहीं कह पाई। उस दिन से रणवीर ने ये तय कर लिया था कि वो अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। वो केमिस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट था, इसीलिए उसने प्रोफेसर जयदेव को एक फॉर्मूला बताया और उसका इंजेक्शन अपने ऊपर लगवा लिया। और अब वो एक खूंखार नर भेड़िया बन चुका था। रॉकी क्लब में पार्टी करके अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड शिखा बैठी हुई थी। तुम बहुत तेज हो रॉकी, जानबूझकर बार बार ब्रेक लगाते हो ताकि मैं तुमको कस कर पकड़ लूं, है ना? क्या करूं, यही तो उम्र होती है ना, मौज मस्ती करने की। ये कहकर रॉकी ने अचानक से ब्रेक लगा दी। अरे क्या हुआ डार्लिंग? मैं सोच रहा था पहले यहाँ रुक कर एक किस कर लेते हैं, उसके बाद बाइक सीधा तुम्हारे घर पर ही जाकर रुकेगी। तुम कभी मौका नहीं छोड़ते। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और अजीब सी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी। ये क्या है? शायद कोई जानवर होगा। ये दोनों अब बिल्कुल शांत होकर उन झाड़ियों की तरफ देख रहे थे। उसके अंदर उन्हें दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। नहीं, ये कोई जानवर नहीं है। तभी अचानक से उनके सामने नर भेड़िया आकर खड़ा हो गया और रॉकी को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। शिखा और रॉकी दोनों की आंखों में खौफ उतर आया। उसने फौरन ही रॉकी पर हमला बोल दिया। अपने दोनों पंजों से उसने रॉकी का सीना चीर डाला। उसके सीने से खून का सैलाब छूट गया और शिखा बस बुत बनी खड़ी रह गई। सुबह जब रणवीर की आंख खुली तो वो थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और उसने अपने बदन पर सिर्फ चादर ओढ़ी हुई है। इसका मतलब है वो सब कोई सपना नहीं, सच था। मैं हर रात एक नर भेड़िया बनूंगा और अपने दुश्मनों को खत्म करूंगा। अगली रात रणविजय हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा हुआ स्टडी कर रहा था। तभी उसकी खिड़की पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। कौन है? वो खड़ा हुआ और तेजी से खिड़की पर पहुंचा। वो खिड़की खोलने ही वाला था कि तभी खिड़की का कांच तोड़ता हुआ नर भेड़िये का हाथ अंदर आया और रणविजय के सीने के आर पार हो गया। रणविजय के सीने और मुंह से खून निकलने लगा। नर भेड़िये ने उसका सिर पकड़कर धड़ से अलग कर दिया और उसे किसी फुटबॉल की तरह हवा में दूर उछाल दिया। नर भेड़िया वहां से भागा और बीच जंगल में जाकर रुका। वो आसमान में उगे चांद को देखने लगा और बहुत जोरों से रोर करने लगा। कुछ ही देर में उसके शरीर की बनावट बदलने लगी और वो पूरी तरह रणवीर बन गया। अपने इंसानी अवतार में आने के बाद वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। सुबह जब वो जागा तो वो बहुत खुश था और आज भी वो कॉलेज नहीं गया। रात हुई तो वो बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करने लगा। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे तभी उसके घर की डोरबेल बजने लगी। इस समय कौन मरने के लिए आ गया? उसने दरवाजा खोला तो सामने दिव्या खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो हैरान रह गया। दिव्या, तुम यहाँ मेरे घर? हाँ रणवीर, मैं तुम्हारे घर, क्यों नहीं आ सकती? रणवीर को यकीन नहीं हुआ कि दिव्या उसके घर आई है और उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। लगता है मेरा यहाँ आना तुमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ ना प्लीज।
रणवीर ने उसको अंदर ले लिया। दिव्या उसके करीब आई और बोली, रणवीर उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं तुमको कुछ जवाब दे दी, तभी वो दोनों कमीने वहां पर आ गए। अब रणवीर के दिल में कुछ हलचल हुई और उसने पूछ लिया, तो क्या जवाब है तुम्हारा? ये कहने पर दिव्या के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो और सबसे अच्छे भी। ये सुनकर रणवीर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिस दिव्या को मैं मारने वाला था वो मुझसे प्यार करती है? कितना पागल था मैं जो बिना जवाब सुने ही दिव्या को मारने की सोच रहा था। तुम्हारा घर ढूंढने में मुझे बहुत देर लग गई, तुम बुरा ना मानो तो मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? तभी रणवीर की नजर घड़ी पर पड़ी और वो बेचैन सा हो गया। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी एक मिनट पहले ही तो मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और अभी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। दिव्या, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है, मैं क्यों नहीं रुक सकती यहाँ पर? तभी 12 बज गए और रणवीर के शरीर में अजीब सी अकड़न पैदा होने लगी। वो अपने ही जिस्म को खरोंचने लगा। क्या हो रहा है तुमको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके शरीर पर बाल उगाए। उसका चेहरा भेड़िए के जैसा हो गया और उसके हाथों के पंजे भी खूंखार हो गए। उसने लाल चमकती आंखों से दिव्या को घूरा। ये देखकर दिव्या का दिल दहल उठा और उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। नर भेड़िए बन चुके रणवीर ने दिव्या को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। दिव्या के कंधे पर नर भेड़िए के दांत गड़ चुके थे और वो छटपटा रही थी। रणवीर, मैं दिव्या हूँ, तुम्हारी दिव्या। वो दिव्या को छोड़ना चाहता था लेकिन वो अपने काबू में नहीं था। धीरे धीरे दिव्या की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। अगली रात ये ठीक 12 बजे का समय था। एक लड़का जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, वो नशे में झूमता हुआ सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। तभी अचानक उसने देखा कि एक लड़की सामने से उसकी तरफ आ रही है। ये लड़की दिव्या थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्या बात है छमिया, कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर दिव्या ने उससे नजरें मिलाई। अपने पीछे देखो। उसने पलटकर पीछे देखा तो वहाँ पर रणवीर खड़ा था। तुम लोग मुझे लूटने आए हो क्या पागलो, मैं तो एकदम कंगाल आदमी हूँ। उसकी ये बात सुनते ही रणवीर और दिव्या दोनों ही अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे। उनके शरीर पर बाल उगाए और वो दोनों ही वेयरवुल्फ बन गए। वो शराबी कुछ करता इससे पहले ही ये दोनों उसके शरीर पर टूट पड़े और उसकी चीख पूरी फिजा में गूंज गई। आ!